नमस्कार, एबीसी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। छत्तीसगढ़ के रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। रायपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में धमाका हुआ है। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, रायपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में धमाका हुआ है। उस धमाके में सीआरपीएफ के 6 जवान घायल हुए हैं। स्पेशल ट्रेन से जो ये जवान थे वो जम्मू जा रहे थे, इसी दौरान धमाके में 6 जवान घायल हुए हैं। इस धमाके में सीआरपीएफ का एक हवलदार भी जख्मी हुआ है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। तो खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से सामने आ रही है, जहां पर ट्रेन में धमाका हुआ है। डमी कारतूस बॉक्स में रखा ग्रेनेड बोगी में रखते ही फट गया था, जिसकी वजह से यह धमाका हुआ है। तो बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से सामने आ रही है, जहां ट्रेन में धमाका हुआ है। जो सीआरपीएफ के जवान थे वो जम्मू जा रहे थे स्पेशल ट्रेन से, इसी दौरान डमी बॉक्स में रखा ग्रेनेड फटने की वजह से, जैसे ही उसे बोगी में रखा वो फट गया, जिसकी वजह से ये धमाका हुआ है, जिसमें 6 जवान घायल हुए हैं। एक हवलदार की हालत गंभीर बताई जा रही है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे ब्यूरो चीफ छत्तीसगढ़ से जरीन सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जरीन, क्या कुछ अपडेट है, पूरी खबर बताइए। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ट्रेन सुबह 6:30 बजे रवाना होने के लिए तैयार थी, इसी दौरान उस वहाँ ट्रेन में ब्लास्ट हो जाता है। ये ब्लास्ट किसी तरह की आतंकवादी गतिविधि या किसी साजिश के तहत नहीं हुआ था। दरअसल हुआ ये था कि जो आयुध होते हैं, हैंड ग्रेनेड से बड़ा बॉक्स जो है चढ़ाने के दौरान हाथ से छूट गया और उसी में धमाका हुआ, जिसमें से 6 जवान बुरी तरह से घायल हो गए थे। माफ कीजिएगा, बुरी तरह से नहीं, घायल हो गए थे। लेकिन उसके बाद तुरंत उनको वहाँ रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसमें से 5 जवानों को छुट्टी दे दी गई है और एक जवान की हालत थोड़ा गंभीर है। अच्छा, जो जवान है उसकी हालत जिस तरह से आप बता रहे हैं कि गंभीर है, तो क्या उन्हें दूसरे अस्पताल में रेफर किया गया है या फिर वहीं पर इलाज चल रहा है उनका? नहीं, रामकृष्ण के जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, इसमें अक्सर जो नक्सली ब्लास्ट वगैरह होते हैं वो वहां से जवानों को ले जाया जाता है और वहां उनका चिकित्सा सुविधा दी जाती है। तो एक माना जाना हॉस्पिटल है रायपुर का और वहीं पे उनके वो चल रही है। ये किसी तरह की आतंकवादी घटना या उसकी वजह से ब्लास्ट नहीं हुआ है, सिर्फ मानवीय भूल के कारण हुआ था, जिसमें से 5 जवान को छुट्टी दे दी गई। एक का इलाज चल रहा है, लेकिन उनकी हालत अभी अभी जो खबर आ रही है कि हालत ठीक हो रही है, उस गंभीर नहीं कह सकते हैं, उनको भी एक दिन के पश्चात छुट्टी दे दी जाएगी। तो राजधानी रायपुर में ये जो ट्रेन जम्मू कश्मीर जा रही थी और 3 नंबर प्लेटफार्म पे उस वक्त रुकी जब जवानों को चाय नाश्ता पानी की जरूरत होती, इसलिए 3 नंबर प्लेटफार्म पे उनके लिए व्यवस्था की गई थी जलपान की। तो उसी दौरान वहां पे ब्लास्ट होता है। तो ये किसी तरह से आतंकवादी या साजिशन कोई भी ब्लास्ट इसको नहीं कहा जा सकता है। तो बिल्कुल किसी भी तरह की ये आतंकी घटना नहीं है। ये जो सीआरपीएफ के जवान थे वो वहां पर जो डमी कारतूस बॉक्स था उसमें से ग्रेनेड गिर गया था, जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ है। अच्छा, क्या सीआरपीएफ की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने आया अभी तक? जी, चूंकि सुबह सुबह की घटना थी, अभी सीआरपीएफ के डीजी को संपर्क करने की हमने कोशिश की है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अभी कुछ समय के पश्चात ही आधिकारिक बयान आएगा, लेकिन ये जो घटना हुई है ये किसी भी तरह से आतंकवादी, बार बार मैं साफ करना चाहता हूँ कि किसी आतंकवादी घटना नहीं है, कोई भी ब्लास्ट नहीं हुआ है, ये मानवीय भूल की वजह से ब्लास्ट हुआ है, रैकेट गिर जाने की वजह से ब्लास्ट हुआ है। और इसमें अभी आधिकारिक बयान
नहीं मिल पाया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जरीन तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो किसी भी तरह की आतंकी वारदात नहीं है, किसी भी तरह की नक्सली वारदात नहीं है। डमी कारतूस बॉक्स में रखा ग्रेनेड बोगी में रखते ही फट गया था। सीआरपीएफ के जो एक हवलदार हैं वो इसमें गंभीर रूप से थोड़ा घायल बताए जा रहे हैं, जबकि बाकी जो 5 जवान घायल थे उन्हें छुट्टी दे दी गई है। तो बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां पर ट्रेन में ब्लास्ट हो जाता है। हालांकि किसी भी तरह के आतंकवादी या नक्सली घटना ये नहीं है, ये हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं, क्योंकि डमी कारतूस बॉक्स में रखा ग्रेनेड बोगी में रखते ही फट गया था, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। फिलहाल के लिए बड़ी खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।